Find the degree of a polynomial. Say px is a polynomial where p is the name of the polynomial and x जो है variable use किया गया है polynomial में. और हमारा polynomial ये है 3x to the power 7 minus 4x to the power 6 plus x plus 9 है. अब मैंने यहाँ पे x to the power 1 लिखा है और x to the power 0 लिखा है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, लेकिन real polynomial जब लिखा आएगा तो वैसे लिखा आएगा 3x 7 minus 4x to the power 6 plus x plus 9. ठीक है, ये x टू द पावर जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो होती है तो वन होता है. तो 9 इंटू 1 इज 9, तो हमने इसको बस वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करने के लिए x टू द पावर जीरो लिख दिया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो हमें क्या देखना है, टू फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें जो भी वेरिएबल होंगे इसमें सारे, उस उन वेरिएबल्स में से जिस वेरिएबल की हाइएस्ट पावर होगी वो होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल इस पॉलिनोमियल में इसकी पावर 7 है, इसकी 6 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो इनमें से हाईएस्ट कौन सी है, 7. सो 7 विल बी द डिग्री ऑफ px. ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं qx, 10x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 2 6x की पावर 1 और 11. ठीक है, अगेन मैंने x टू द पावर 0 लिख दिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो हमने डिग्री निकालनी है, अब देखो सबकी पावर्स यहाँ 4 या 2 या 1 या 0, तो हाईएस्ट कौन सी है, 4. सो 4 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, सो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी तो वो जो पावर होगी ना, दैट विल बी कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 9x टू द 9y टू द पावर 7 माइनस 6y क्यूब प्लस 8y प्लस 11. अभी देखो इसमें पावर से ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 7. 7 इज द डिग्री. अंडरस्टैंड व्हाट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. फॉर एग्जांपल 2x माइनस 1, जब मैंने आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना सिखाया था, मैंने आपको क्या कहा था, ऐसा वेरिएबल जिसका एक्सपोनेंट ग्रेटेस्ट होगा उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, दैट विल बी कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, एक्स का एक्सपोनेंट है 1, तो और कोई वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2x है. ठीक है, तो x की पावर है 1, तो 1 इज द ग्रेटेस्ट. दैट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होगी, ठीक है, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल 2y है, y की पावर 1 है और तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए यही डिग्री बन गई पॉलिनोमियल की, ग्रेटेस्ट यही हो गई. ठीक है, t प्लस रूट 2, टी की पावर क्या है, 1. ओके, देन अगेन 1 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और जब 1 डिग्री होगी तब उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा. ओके, और एक लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी. ठीक है, वेयर a कैन नेवर बी 0 एंड a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स. अब ए कैन नेवर बी 0 इन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम ए को 0 ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि अगर हमने ए को 0 ले लिया एक लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी इसमें. ठीक है, 0 इंटू एक्स क्या हो गया, 0 प्लस बी, तो आंसर क्या बचा, बी आया. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बी आ रहा है. ठीक है, अगर हम देखें इसके आगे कोई वेरिएबल तो है नहीं, क्योंकि वेरिएबल ए के आगे था, ए को हमने 0 कर दिया, बट अगर हमें बी के आगे वेरिएबल लाना है तो वो कैसे आएगा, बी इज इक्वल टू बी इंटू 1 होता है, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी ही आएगा. और हमने देखा था कि अगर कोई भी से कोई नंबर, कोई वेरिएबल है ए, अगर उसकी पावर 0 होती है, ठीक है, तो वो 1 कहलाया जाता है. कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर, जिसका एक्सपोनेंट जो 0 होगा ना, तो वो 1 होगा. ठीक है, तो अगर हम 1 की जगह लिख दें, इसका वेरिएबल x था, तो हम सपोज करते हैं 1 की जगह लिख देते हैं b इंटू एक्स टू द पावर 0,
x टू द पावर जीरो वन होगा ना, x एक वेरिएबल है और उसकी एक्सपोनेंट है जीरो, तो ये वन होगा, तो हमने वन की जगह ये लिख दिया। तो अगर हम b इंटू x टू द पावर जीरो लिख दें तो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि सिर्फ ये एक पॉलिनोमियल है हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का, तो इसके आगे इसके साथ कोई और वेरिएबल तो है नहीं, सिर्फ यही वेरिएबल है x और इसकी एक्सपोनेंट है जीरो, मतलब इसकी डिग्री तो जीरो हो गई। बट हमें लीनियर पॉलिनोमियल के लिए डिग्री वन चाहिए होती है, इसीलिए हम a को जीरो नहीं लिख सकते। अगर हम a को जीरो लिखेंगे तो डिग्री जीरो आ जाएगी, हमें डिग्री वन चाहिए होती लीनियर पॉलिनोमियल की। इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि लीनियर पॉलिनोमियल में अगर वो a, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b, वेयर a कैन नेवर बी जीरो। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू। अब एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू होगी इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4y प्लस 5y स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, ठीक है। डिग्री के लिए हम क्या करते थे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट निकालते थे, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, 2 है, सो डिग्री इज 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखते हैं 6 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर, अगेन इसमें डिग्री 2 है, हाईएस्ट है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये भी एक क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है, और ये भी एक क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि डिग्री इन चारों एग्जाम्पल्स में क्या है, 2 है। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहां पे ए बी सी आर व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, ओके, एंड ए कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। इसमें भी अगर हम a को जीरो कर देते हैं, इफ a इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो आ जाएगा जीरो a इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर इज जीरो, प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि सिर्फ बी एक्स प्लस सी बच रहा है, और बी एक्स प्लस सी में क्या है, इसमें डिग्री क्या होगी, वन होगी, वन तो सिर्फ लीनियर में हो सकती है, क्वाड्रेटिक में नहीं हो सकती, इसीलिए हम a को कभी भी जीरो नहीं लिख सकते इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर हम a को जीरो लिखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक से लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, जैसे आपने ये देखा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो जाएगी। ओके, एंड आप इसमें देख ही रहे होंगे कि a, अब सारे ये भी ax प्लस बी की फॉर्म में, a क्या है, 2 है, और b है माइनस वन, ठीक है, ये भी a क्या है, ए एक्स प्लस बी या फिर ए वाई प्लस बी, वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल तो वेरी करते हैं, तो अगर वाई की फॉर्म में है तो ए वाई प्लस बी हो जाएगा, तो ए इज टू और बी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो मतलब मैं यही समझा रही हूँ कि सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होते हैं, और सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे ए बी एंड सी इज अ कॉन्स्टेंट और a कैन नेवर बी जीरो। नाउ वील मूव ऑन टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। क्यूबिक से ही समझ आ रहा होगा आपको कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वो। क्यूब, क्यूब आपको पता ही है क्या होता है, a क्यूब, ठीक है, तो डिग्री 3 होगी तभी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब डिग्री 3 है, कोई और वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें डिग्री 3 है, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिख ही रहा होगा आपको कि सारे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर 4x क्यूब लिखा है सिर्फ, ठीक है, दैट मीन्स ये जो सारी दूसरी टर्म्स है ना, ये जीरो है, ठीक है, बट हमेशा वो जीरो तो लिख सकते हैं ना, बट हमेशा वो इसी फॉर्म में होगी, ठीक है। अब 2x क्यूब प्लस 1, बट वो आता कहाँ से है, वो इस फॉर्म से ही आता है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में 2x क्यूब प्लस 1 में बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स जीरो हो जाएगा, बट जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 2x क्यूब प्लस 1 लेते हैं।
सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जनरल इस फॉर्म में होते हैं, वेयर ए इज अगेन नॉन जीरो एंड ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स. ए नॉन जीरो क्यों होगा? क्योंकि अगर ए को हम जीरो पुट करेंगे तो फिर डिग्री टू का पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक. बट हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं चाहिए, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसमें डिग्री थ्री होनी चाहिए. इस करके हम ए को जीरो नहीं लिख सकते. ओके okay?